ये तथ्य स्पष्ट दिख पड़ता है। उन सभी लोगों ने अपने जीवन के लिए एक महान और उदात्त लक्ष्य स्थिर कर रखा तथा वे सभी लोग निरपवाद रूप से सदैव अपने जीवन लक्ष्य की ओर दृष्टि रखते थे। लक्ष्य की ओर दृष्टि रखने पर मनुष्य सावधान रहता है और ऐसी सभी बातों को त्याग देता है जो कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होती है अथवा सहायक नहीं। उसी प्रकार वो व्यक्ति उन सभी बातों को जीवन में उतारने की आचरण में लाने चेष्टा करता है जो उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। इस प्रकार उसका आचरण व्यवस्थित मन संयम और जीवन क्रमशः उन्नत होता जाता है और वो एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हम सभी के लिए जीवन विकास का, जीवन को समुन्नत और महान बनाने का अवसर उपलब्ध है। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम जीवन विकास की ये साधना आज और अभी प्रारंभ कर सकते हैं। बस आवश्यकता है दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कर्म में लग जाने। एक बार कर्म में लग जाने पर धीरे धीरे रास्ता अपने आप बनता जाता है और हमारा कार्य सहज हो जाता है, प्रगति निश्चित हो जाती है। यही मार्ग है जीवन की सफलता और सार्थकता। चिंतन अभी आपने सुना आलेख स्वामी सत्यरूपानंद का था। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 मिनट होंगी। अब प्रस्तुत है श्रीराम चरितमानस का अंश।